हाँ, आज उसका 10वां था। जब 10वां शुरू हुआ तो हम लोग, मुझसे तो कह भी नहीं सकते कि उसके भाई उसको देख नहीं पाए, उसको दुलार नहीं कर पाए, प्यार नहीं कर पाए। कपड़े कैसे फट गए? क्या उठाने में फट गया? तो ये सोचे थे कि उसकी हल्दी होगी, उसकी मेहंदी होगी, फिर उसकी विदाई होगी। हम मौजूद हैं आजमगढ़ में, और जब आजमगढ़ की बात आजकल चल रही है तो एक मामला बड़ी सुर्खियों में है, श्रेया तिवारी की मौत को लेकर। जिस तरीके से श्रेया तिवारी ने अपने स्कूल के तीसरे मंजिले से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं, ऐसे में परिवार की तरफ से तमाम आरोप आते हैं। जिस बिटिया ने तमाम सपने सजोए थे, जिस माँ बाप ने तमाम सपने सजोए थे कि हमारी बिटिया IPS बनेगी, वो सपने सपने रह गए और वो बिटिया भी सपना बनकर आज रह गई है। हिंदू धर्म में के हिसाब से उस बिटिया का क्रियाकर्म था। जिस बेटी के लिए इस माँ ने सोचा होगा कि मैं इस अपने बिटिया को डोली में बिठाऊँगा और बिटिया हमारे अपने घर जाएगी, अपने परिवार में रहेगी, और जो उसके सपने शायद मैं ना पूरा कर पाऊँ तो वो सपने वहाँ से वो पूरा कर लेगी। उस बिटिया का सपना था कि मैं IPS बनूँगा। इस माँ की जब चीख सुनता है हर कोई ना, तो हर कोई स्तब्ध रह जाता है, शब्द नहीं होते हैं। और उसकी बिटिया का आज क्रियाक्रम था माता जी? हाँ, आज उसका 10वां था। जब 10वां शुरू हुआ तो हम लोग, मुझसे तो कह भी नहीं सकते कि 8 महीने पहले जब घर बनवाया तो ये सोचे थे कि उसकी हल्दी होगी, उसकी मेहंदी होगी, फिर उसकी विदाई होगी, फूलों से घर सजाएंगे और उसको विदा करेंगे, उसकी 11 भाई उसको अपने हाथ से उठाकर मंडप तक लाएंगे। लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज उसकी बॉडी इस तरीके की थी कि उसके भाई उसको देख नहीं पाए, उसको दुलार नहीं कर पाए, प्यार नहीं कर पाए। लेकिन अब उसको कहने और बयां करने का तो कोई वही नहीं है। आप समझिए, पिता हैं उस बच्ची के, भावुक हो जा रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे हैं। क्योंकि मैं जब सपने की बात कर रहा हूँ तो उस बिटिया के बड़े सपने थे और माँ बाप के भी बड़े सपने थे कि हम अपनी बिटिया के सपने को पूरा करेंगे। घटना के कितने समय बाद आपको वहाँ पर बुलाया जाता है कि आपके बिटिया के साथ ऐसा कुछ? मुझे ये तो पता नहीं है कितने घंटे हो गए थे, मतलब 12:41 पे फ़ोन आता है उसकी क्लास टीचर का और वो मुझे बुलाते हैं, तुरंत बुलाते हैं। मैं तुरंत इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि एक बच्चा मेरा संभी में पढ़ता रहता है, मैं उसको लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो रहते नहीं, वो दुकान पे थे, तो मैं उसको लेती हूँ। और यहाँ से हरबंसपुर जाने में का जो समय लगा, वही समय लगा है। और वहाँ पहुँचने के बाद तो जो देखा हमने, वो तो मैं शब्द से बयान सबको एक बार कर चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं कह पाती क्योंकि आज मेरी बेटी का 10वां है। क्या मैं उसको क्या दूँ, क्या कहूँ, क्या समझाऊँ? आज मेरे पास मेरी बेटी होती तो शायद मैं लड़ाई और हिम्मत से लड़ती, क्योंकि जब वो कहती कि मम्मा मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया गया, तो शायद ये ज़्यादा अच्छा होता। बिटिया के बैग से फ़ोन मिलता है और कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिलती हैं, उन चीज़ को लेकर क्लासरूम में दिखाया जाता है, एक तरीके से प्रदर्शन किया जाता है कि आज श्रेया तिवारी ने ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ अपने बैग में रखा है और शायद इसी चीज़ से वो आहत आ गई। इस चीज़ की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है कि बिटिया को क्लासरूम में ले जाकर इस तरीके से बिटिया का इस तरीके की जानकारी मुझे ना स्कूल वालों देते हैं, ना कोई टीचर देता है, यहाँ तक मुझे फ़ोन भी नहीं बताया गया था कि आपकी बेटी के पास फ़ोन है। बस एक अभी जब आप ही लोगों के थ्रू मुझे एक बच्ची के द्वारा पता चलता है कि उसको पता नहीं कौन सा चीज़ ऐसा डाला गया था। लेकिन ठीक है, अगर मेरी मान लेते हैं, वैसे था नहीं लेकिन मान लेती हूँ था भी, तो वो कौन होते हैं? मेरी बेटी को मतलब टॉर्चर करने के लिए या पनिश करने के लिए वो कौन होते हैं? उन्हें सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश आया उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं था कि किसी बच्चे को इस तरीके से वो टॉर्चर या बाहर तक खड़ा करने का उनकी वो नहीं थी? फिर वो क्यों मेरी बेटी को इतना टॉर्चर करते हैं? कुछ भी मिला तो पहले मुझे बुलाते, शिकायत उन्हें करनी चाहिए, मेरे हस्बैंड को बुलाते और तब मुझसे कहते कि ऐसा है कि आपकी बेटी ने ऐसा ऐसा चीज़ लाया है, ये बहुत गंदी है, गंदी नेचर की है, आप इसको ले के जाओ। तो हम दोनों लोग अपनी बच्ची को ले के आते। आज मेरी श्रेया जिंदा होती तो ना मुझे इस तरीके से किसी के सामने हाथ जोड़ना पड़ता या पब्लिक को इस तरीके से रोड पे नहीं आना पड़ता। अच्छा, कभी इस तरीके की शिकायत स्कूल प्रशासन से आपके तरफ आई हो कि आपकी बिटिया फ़ोन लेकर आती, या फिर कभी इसके पहले नहीं? इस घटना के पहले कभी नहीं आई थी, क्योंकि अभी 3-4 महीने तो बच्ची को पढ़ने ही हुआ था। लेकिन अदर भी स्कूल में जहाँ पढ़ती थी, कभी मुझे फ़ोन नहीं आया कि आपकी बेटी ने इस तरीके से कोई गलत काम किया, आपकी बेटी इस तरीके की है, कभी नहीं आया।
लोग कहते हैं कि आप लोगों के द्वारा भी पता चला कि वहाँ पर साक्ष्य छिपाने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ बिटिया गिरी थी उस पानी से साफ कर देते वो हैं कि वो चीज़ें तो पता ना चल पाए। वो तो मैंने बताया ना कि मैं जब वहाँ पहुँची, बॉडी मेरी बेटी की बाहर एक एम्बुलेंस में खड़ी थी, जहाँ लोग बता रहे थे, वहाँ के स्कूल के लोग बता रहे थे कि आपकी बच्ची यहाँ गिरी है, यहाँ मतलब कूदी थी, गिरी थी। वहाँ तो कोई ब्लड नहीं था, कोई छींटे नहीं थे, क्योंकि अगर एक कुत्ते का बच्चा भी गिरता ना तो ब्लड गिरता। लेकिन उतनी हैवी शरीर की, 5 फुट 2 इंच की मेरी बच्ची गिरती है और उसके न ब्लड कहीं मतलब था, कुछ नहीं था। हाँ, उसके कपड़े पे लगे थे ब्लड, उसके मुंह में भरा हुआ था ब्लड, उसके दांत किसी की इतनी हद तक मतलब उसको क्या मैं बयान करूँ कि उसकी बॉडी किस तरीके की थी, कि एक माँ के लिए वो देखना ही सबसे बड़ी कष्ट की बात थी। पहले तो सर मैं ये गिरी जो ठीक है, कपड़े जो है उसके फटे हैं यहाँ पे नीचे का कपड़ा, तो मैं तुरंत पूछा हमके कपड़े कैसे फट गया, कहे उठाने में फट गया। अच्छा, उठाने में कह रहे थे कि कपड़ा फट गया, उठाने में एम्बुलेंस में लादने में फट गया। और सर उसके कान में हम छोटी सी बाली पहना, माता जी इनके पहना के भेजती थी, वो भी नहीं थे उस समय। दोनों कान में बाली नहीं थी, नाक में जो कील थी सोने की वो भी नहीं थी। मतलब एक बच्ची मर गई उसके शरीर से, और वो लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़े लोग थे, ऐसे लगता है ना कोई छीना झपटी उससे किया है, जबकि कभी स्कूल प्रशासन को कुछ नहीं बोला। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर जो दो पर्टिकुलर जो भी उसमें गुनाहगार हैं, मैं उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाया। लेकिन इस तरीके से मैं सभी स्कूल के जो समर्थन दिए हैं, मैं उससे भी बहुत दुखी हुई हूँ कि आपके स्कूल में कितने विश्वास से हम अपने बच्चों को भेजते हैं, और आप एक अपराधी के लिए आप लोग खड़े हो रहे हैं। अगर यही मेरी बच्ची के लिए खड़े होते तो मुझे शायद कहीं ये होता कि हाँ स्कूल की भी जो है कि इतनी है वो, कि मतलब वो बच्चों के बारे में सोचते हैं। जिस दिन बस से उतारे थे कंडक्टर नहीं बैठाया, उसी दिन सर रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ। तब शिकायत नहीं की आपने? सर क्या है ना कि वहाँ का रूल था कि 3 महीने का फीस जमा करना होता बस का, मुझे ये पता नहीं था। जब मैं स्कूल में गया फीस जमा करने बस का, तो सीधा क्लर्क ने बोला जो वहाँ फीस काउंटर वाला है, कहा कि बस का फीस तभी हम लेंगे जब 3 महीना का आप दोगे। ये बताइए, मान लीजिए किसी पेरेंट्स के पास नहीं इतनी हैसियत हो कि वो 3 महीने का इकट्ठा जमा करे, तो 1 महीने का आप ले लीजिए। पेरेंट्स नहीं भाग रहे हैं, बच्चे नहीं भाग रहे हैं, बच्चा तो आपके स्कूल में पढ़ रहा है ना। लेकिन ये क्या तानाशाही, नहीं हमको 3 महीने की इकट्ठा चाहिए, क्यों इकट्ठा चाहिए? तुम कह कि कल बस जाएगी तो क्या बेटी को ले आएगी? कह एक दिन तो ला ही सकती है, ऐसा कुछ बहुत नहीं है। तो मैं उसी के हिसाब से फिर मैं बस में ले गया, जब अपनी बेटी को बैठाने में खुद ले जाता था। तो बस वाला पूछा, कंडक्टर पूछा कि फीस जमा हो गया है? मैंने कहा सर नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रिंसिपल मैम थी, हम उनसे आदेश करवा के फिर जमा कर देंगे। तो वो रोका ही नहीं बस, कहा मैं बच्चे को नहीं ले जाऊंगा। एक दिन फीस नहीं जमा हुई इसलिए बस नहीं जी नहीं रोका। मान लीजिए सर हम तो गए थे, हमारा घर नज़दीक है, मान लीजिए कोई बच्चा सर नहीं फीस जमा गया दूर से है तो कैसे जाएगा घर? फिर सर मैं स्कूल फीस जमा करने गया तो उसमें भी वही हाल कि 2 महीने की फीस लेता हूँ मैं, 3 महीने की फीस लेता हूँ। मैं कहा कि मैम इसको मंथली कर दीजिए, क्योंकि मेरी थोड़ी आर्थिक स्थिति जो है, मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब था, मैं फिर इकट्ठा कर दूंगा जैसे आप करेंगे वैसे कर देंगे। तो उन्होंने किया, लेकिन कहा ये चीज़ बहुत वार्निंग दिया वो गेट मैन दुबे जी से ही, कि गार्जियन हमसे तो मिली नहीं, वो गार्जियन वो कहें कि गार्जियन से बोल देना कि अगर 8 तारीख को पहले जमा नहीं होगा तो मैं फिर वही 2 महीने की उनसे फीस लूँगी, ये कहा गया ऐसे। आजमगढ़ जनता है, मैं उनके ही थ्रू जो है कि इतनी मेरी आवाज़ बुलंद हुई है, क्योंकि आजमगढ़ की अगर जनता मेरा परिवार अब है, वो जनता नहीं रह गई, वो मेरा परिवार है। अभिभावक जो हैं, बच्चियां जो हैं, इतना खुल के जब वो सामने आ सकती हैं, तो मैं तो उनकी उसकी माँ थी, मैं क्यों नहीं लड़ सकती हूँ? बार मेरी बच्ची जो है 16-17 साल की, मतलब बच्ची जो है 16 साल की चली गई, जो यहाँ से हंसते खेलते हुए यहाँ से गई, और उसको एक बॉडी बना के कफन में लपेट के मुझे दे देते हैं कि ले जाइए आपकी बच्ची ने ऐसा कर लिया। उसके बाद उसके मरने के बाद भी उसके ऊपर लांछन लगा रहा है कि वो ऐसी थी वैसी थी, इस तरीके का नेचर था उसका, बच्चों से बात करती थी, ये गलत मत करिए। कम से कम मरने के बाद भी उसको इस तरीके का मत टॉर्चर करिए कि उसकी आत्मा को भी तकलीफ हो।